डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल नीलाम किए कबाड़ टैंकर से निकली नष्ट की गई शराब जांच में तथ्य छुपाने वाले कांस्टेबल को भी किया गया सस्पेंड। दरअसल टैंकर खरीदार जब इस टैंकर को लेकर कटिंग के लिए पहुंचा तो उस टैंकर में से शराब की पेटियां देखकर वह चौंक गया। मामले में अब पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है, वहीं जांच के दौरान भी तथ्य छुपाने वाले कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि 25 से 30 अगस्त 2022 तक बिछीवाड़ा थाने में जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी। इसके तीन दिन बाद ही गुजरात के कोटंबा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कार पकड़ी थी। कार से पकड़ी गई शराब बिछीवाड़ा थाने की ओर से नष्ट बताई गई शराब निकली। इस पर एएसपी अनिल मीणा, जिला आबकारी अधिकारी हरीश रोनल, जिला कोषाधिकारी जितेंद्र मीणा, बिछीवाड़ा थाना अधिकारी रंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल रतनलाल को सस्पेंड किया गया था। वहीं एसपी राशि डोगरा ने बिछीवाड़ा थाना समेत रतनपुर व कंबा चौकी के ज्यादातर स्टाफ को लाइन हाजिर भी कर दिया था। देखिए, अभी हमें कल रात को ये सूचना मिली कि संडे को एक कंटेनर टैंकर जो आबकारी के आदेश से जिसको छोड़ा गया था वो किसी कबाड़ी की दुकान में गया और वहाँ जब उसको काटा गया तो वहाँ से उसमें पेटियों शराब की पेटियाँ मिली। जब हमें ये सूचना मिली तो हमने तुरंत प्रभाग से संबंधित सीईओ को भेजा और वहाँ वीडियोग्राफी करा के उसकी फर्ज जब्ती बनाई और ये वही शराब है जिसका नष्टीकरण अभी हाल में ही डिस्पोजल कमेटी द्वारा दिखाया गया था। देखिए, पूर्व में ही आपको जैसे पता है कि पूर्व में हमारी बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन की जांच चल रही है तो ये उसी जांच का हिस्सा बन जाएगी और उसी जांच में ये काफ़ी पुख्ता सबूत है कि डिस्पोजल के टाइम जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको प्रमाणित करता है। देखिए, कांस्टेबल तक सबसे पहले ये सूचना आई थी और उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया तो ये उसकी लापरवाही रही है और पूर्व में भी जब वहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई तो आप इनकी पोस्टिंग तो वहाँ थी, इस वजह से इनको आज सस्पेंड किया गया।